नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने मालगाड़ी आ रही है झंझारपुर जंक्शन की तरफ से और ये महरैल होते हुए आगे जा रही है, जिसका प्रक्रिया लगातार कई समय से चलता आ रहा है। महरैल तक तो पूर्ण रूप से चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन यहाँ पे नहीं दिया गया है और मालगाड़ी का परिचालन चालू है। बिजली के पोल भी लगा दिए गए। हम अभी आपको झंझारपुर थाना चौक के पास का अंडरपास से वहाँ का वीडियो दिखा रहे हैं। और ये सामने छोटा सा पुल हो गया। अब देखना ये है कि इसके अंदर, इस मालगाड़ी के अंदर ब्लास्ट है या डस्ट है, वो तो जहाँ अनलोडिंग होगा वहीं पता चल सकेगा हमें। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है इसमें या तो डस्ट हो सकते हैं, नहीं तो ब्लास्ट होंगे। अब फाइनल रूप से जब ब्लास्ट आएगा, वो ओपन मालगाड़ी जो होता है, माल बोगी जो होता है ओपन, ऊपर तरफ से खुला हुआ रहता है, उस टाइप में आएगा, फाइनल होगा, क्योंकि उसके बाद गिराते हुए डायरेक्ट जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं झंझारपुर हॉल्ट के समीप का ये वीडियो है। मालगाड़ी महरैल से आगे की तरफ बढ़ रही है। हम अभी आपको अंडरपास के बाद झंझारपुर थाना चौक का जो अंडरपास है वहाँ का वीडियो दिखा रहे हैं। और दोस्तों, बात अगर करें हम विद्युतीकरण का, तो यहाँ पे पोल लग चुके, इस पर स्ट्रिंग भी लगा दिए गए, लेकिन अभी वायरिंग का काम नहीं किया गया है, जबकि ये काफ़ी दिनों पहले ही हो चुका है। जब इसका CRS हुआ था उसके बाद ही पोल लगाने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसके बीच अभी बंद काम है, पोल पर कोई काम नहीं हो रहा है। लगातार मालगाड़ी बीच बीच में 10-15 दिन में आना जाना कर रही है। वैसे बीते दिन कल यहाँ पे बरसात हुई है, तो आप देख रहे होंगे अंडरपास के नीचे पानी थोड़ा सा हल्का फुल्का लगा हुआ है, लेकिन जब तेज़ बरसात होगी तो ज़्यादा पानी यहाँ पे जम सकते हैं, जिसके लिए आने जाने का समस्या, का गाड़ियों का समस्या हो सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि दोस्तों, झंझारपुर में अभी रोड निर्माण का काम चालू है, तो इस रोड को चौड़ी की जा रही है और इस वजह से जाम लग रहे हैं, तो बड़े बड़े गाड़ियों को इस अंडरपास के द्वारा भी निकाला जा रहा है मधेपुर की तरफ। और देखिए सामने इंजन आपको दिख रहा है, उल्टी दिशा में मालगाड़ी जा रही है, महरैल स्टेशन से आगे होते हुए जा रही है, क्योंकि उसके आगे जो चंदेश्वर स्थान हॉल्ट था वो भी अब स्टेशन हो चुका है, उसको स्टेशन का दर्जा दिया गया है। हम काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो बनाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।